हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ ना, जो कि बलिनो के बाद वो काफी ज्यादा फेमस हुई है और मारुति की वो दूसरी कार रहने लगी है, जिस पर की मॉडिफिकेशन आपको काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है। और इससे अच्छा तो उस पर आप जितनी मर्जी मॉडिफिकेशन करवा उतना कम देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, नाम से तो आप समझ गए होंगे, और इसके साथ जैसे ही मैंने बात करा कि वो बलिनो का एक फेस लिफ्टेड वेरियंट भी क्या हो या फिर आगे पीछे का कॉस्मेटिक चेंजेस का हो, तो वो हमें देखने के लिए जाता है, जो कि इंटीरियर से पूरी बलिनो रहने वाली है। अब तो टोयोटा ने भी उसकी कॉपी लॉन्च कर दिया, यानी कि टोयोटा ने भी अब उसका रीबस वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। तो आपको जैसे कि नाम से पता चल गया होगा और सॉरी उसके बातों से पता चल गया होगा, तो नाम मैं बताऊँ तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में। तो दोस्तों, ये रही मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, जो कि सामने से देखने से कुछ ऐसी लगती है और काफ़ी प्यारा लगता है। ये हमें जो इसके पीछे ये रियर साइड से जो आपको इसमें डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है ना, ये जो पीछे से डिज़ाइन, ये जब बाद में इसकी पूरी कनेक्टेड टेल लाइट से जो है जलती है, उसके बाद एक बार कमेंट करके बताना कहीं से लगता है मारुति का प्रोडक्ट, अगर इसमें से मारुति की सुजुकी की बैजिंग हटा दे। तो ये BMW की तरह हमें इसमें देखने के लिए मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। और इतने बढ़िया जो इसकी शार्पनेस और एजेस जो इसमें निकाल रखे हैं, इस बार मारुति ने अपने डिजाइनिंग में काफ़ी बढ़िया काम किया। इसी बात से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके रेयर साइड से, जहाँ पर कि सबसे पहले हम इसमें फ्रॉन्क्स की बैजिंग, ज़्यादा कुछ अट्रम शट्रम नहीं, वी डी एक साइड ये कुछ नहीं बैजिंग नहीं देखने के लिए मिलती, और इस तरह से सुजुकी का लोगो और फुल्ली कनेक्टेड इसमें आपको टेल लैंप्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। नीचे आपको डिफ्यूजर देखने को मिलता है, यानी कि रियर साइड का स्किड प्लेट, जहाँ पर कि आपका सिल्वर कलर में, और ऊपर की तरफ आपको इसमें ब्लैक कलर में प्लास्टिक की क्लाइडिंग्स, और साइड में आपके रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसमें चार आपको पीछे की तरफ पार्किंग सेंसर प्रोवाइड करे जाते हैं, और नीचे की तरफ आपका इसमें टोइंग हुक पीछे की तरफ दिया जाता है। ये रहा पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। और ऊपर की तरफ बात करते हैं, यहाँ पे इसमें आपका हाई स्टॉप माउंट लैंप देखने के लिए मिलता है, और ऊपर की तरफ आपका इसमें ये शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा, और दो रूफ रेल देखने के लिए मिलने वाली है। और टायर के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको अलॉय व्हील्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जिसमें कि अगर हम टायर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको जो टायर प्रोफाइल दिए जाते हैं वो आपको इसमें टायर प्रोफाइल मिलने वाले हैं, 195/60R16 का टायर प्रोफाइल आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको टायर प्रोफाइल मिल जा रहा है। साइड प्रोफाइल से बात करते हैं, यहाँ पे आपका ये फ्यूल लीड देखने के लिए मिल जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नॉर्मल। ये आपका ओपनिंग हैंडल, इसमें आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं देखने मिल जाते हैं। लेकिन पर अगर बात करें इसके ORVM पे, जहाँ पर कि आपके यहाँ पे सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, और साइड में आपको ये काफ़ी बढ़िया इसमें प्लास्टिक की क्लाइडिंग देखने मिल जाती है नीचे की तरफ, और आगे की तरफ आपको इसमें डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, और सेम टायर प्रोफाइल के साथ आपको फ्रंट का भी टायर ऑफर कर जाते हैं। रेयर की तरफ बात करते हैं, इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसके साथ अब बात करते हैं इसके फ्रंट की तरफ। तो सबसे पहले इसमें आपको काफ़ी बड़ी सी एक विंडशील्ड प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि आपको दो नॉर्मल वाइपर्स, और इसके साथ इसमें आपको दो जेट स्प्रे, आपको विंडशील्ड वॉशर देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट की तरफ आपको इसमें काफ़ी बढ़िया इसका बोनट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इसके फ्रंट लुक में, मतलब पहली लुक में ही बंदा दीवाना हो जाए इसका। और इसके साथ तो जो आपको इसमें ये दिया गया है ना फ्रंट की तरफ से, इसका लगभग मारुति की सारी गाड़ियों में हमें सेम देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं वो XL6 खड़ी है, उसका भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। बात करें तो आगे की तरफ आपका ये जो डिज़ाइन है ग्रिल का, ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी एक मैशी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, और इसमें काफ़ी बढ़िया एक सुजुकी की बैजिंग, जिसमें कि आपको यहाँ पे ये ट्रायो, ये आपके DRLs का भी काम करते हैं, और इसके साथ हेडलाइट्स वगैरह का भी काम करते हैं, सॉरी इंडिकेटर्स वगैरह का भी। और नीचे आपके ये हेडलाइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं 3 हेडलैम्प सेटअप के साथ, और इसके साथ जो ये आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपका ये टोइंग हुक का प्रोवाइड करा जाता है, और फ्रंट की तरफ नीचे आपको नंबर प्लेट की हाउसिंग, और नीचे की तरफ ये जगह खाली दी जाती है। और इसके साथ बाकी अगर इसके बारे फीचर्स के बारे में बात करें, यानी कि बाकी इंजन वगैरह के बारे में, तो जो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो बूस्ट जेट इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि 1998 सीसी का इंजन और 98.69 BHP की पावर, 147.6 Nm का टॉर्क, और 3 सिलेंडर के साथ इसमें आपको 4 वॉल्व पर सिलेंडर देखने के लिए मिल जाते हैं। यह आपको टर्बो चार्जर के साथ ऑटोमेटिक और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स सिस्टम के साथ ही आपको प्रोवाइड होने वाला है, जिसमें कि आपको इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम और ये फ्यूल टाइप में पेट्रोल के साथ इसमें आपको 20.1 km/L की माइलेज और ये 37 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि आपका ये BS6 2.0 एमिशन नॉर्म के साथ रहने वाली है। इसमें आपको 180 km/h की टॉप स्पीड देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें कि अगर फ्रंट की तरफ बात करते हैं, इसमें आपको मैक पर्शियन स्ट्रेट सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, और रेयर की तरफ में आपको इसमें
टॉर्जन बीम सस्पेंशन प्रोवाइड होने वाले हैं। स्टीयरिंग कॉलम आपको इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोप देखने के लिए मिल जाता है। और ब्रेक्स के बारे में बात करें, जैसे हमने पहले बात कर ली कि फ्रंट की तरफ आपको इसमें डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड कर जाते हैं। और टायर आपको इसमें 16 इंच के प्रोवाइड होने वाले हैं फ्रंट एंड रेयर दोनों तरफ। डायमेंशन वगैरह के बारे में बात करते हैं, आपको इसमें लेंथ देखने के लिए मिल जाती है 3995 mm की, और इसमें जो विड्थ है वो 1765 mm, और इसके साथ जो बूथ स्पेस है इसमें आपको 308 यानी कि 308 लीटर का बूथ स्पेस, और इसके साथ इसमें आपको 2520 mm की व्हील बेस के साथ इसमें आपको 5-door सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाएगा, पावर विंडो फ्रंट की तरफ, पावर विंडो रियर, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और इसके साथ रिमोट हॉर्न एंड लाइट कंट्रोल, रियर रीडिंग लैंप, रियर सीट एडरेस्ट और एडजस्टेबल एडरेस्ट, और इसके साथ कप होल्डर, रियर एसी वेंट, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर रियर की तरफ दिए जाते हैं जिसमें कि आपको रियर फोल्डेबल सीट देखने के लिए जाते हैं। 60:40 के साथ स्प्लिट करे जा सकते हैं। कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वॉइस कमांड, और इसके साथ आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील गियर शिफ्ट पैडल भी दिए जाते हैं। और इसमें आपको फ्रंट एंड रेयर की तरफ आपको इसमें USB चार्जर और सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट दिया जाता है जो कि स्टोरेज के साथ, जिसमें कि आपका इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी प्रोवाइड कर जाते हैं। इंटीरियर में टेक्नोमीटर, ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, ड्यूअल टोन डैशबोर्ड, और इसके साथ आपको इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने के लिए मिल जाती है। एक्सटीरियर में जैसे कि हमने बात करी, आपको इसमें पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर देखने के लिए मिल जाते हैं, और मैनुअली एडजस्टेबल एक्सटीरियर व्यू नहीं देखने मिलते हैं, ये आपको ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलते हैं। और इसके साथ इसमें आपको इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर, और इसके साथ इसमें आपको रियर विंडो वाइपर, रियर विंडो वॉशर देखने मिल जाता है, और रियर विंडो डिफोगर, ये तीनों ही चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड कर जाते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे ये वॉशर वगैरह दिया जाता है, और लेकिन पर ये टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है तो इसमें आपको वाइपर वगैरह नहीं दिए जाते, ना ही वॉशर, इसमें बस आपको डिफोगर देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि सेकेंड टॉप वेरियंट देखने मिलता है। इसमें आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर, टर्न इंडिकेटर्स, इंटीग्रेटेड एंटीना और क्रोम ग्रिल और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं दिए जाते, इसमें आपको ये हैलोजन हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर की तरफ आपको इसमें शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें आपको टायर साइज जैसे कि हमने बात कर लिया 195/60 R16 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।